सब क्या बन रहा है ये? आज बनेगा समर स्पेशल। समर स्पेशल गर्मी बहुत आ गई है, गर्मी के लिए मतलब। आज बनाएंगे मैंगो वाला पनीर टिक्का। मैंगो वाला पनीर टिक्का हैंग कर लिया, हैंग हुआ। हाँ, हैंग वाला रही खेल खेल लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद डालेंगे पीस के रखा है मैंगो, और फ्रेश मैंगो ये पका हुआ है ना। पका हुआ फ्रेश मैंगो पीस के रखा है, हमने मैंगो पल्प डाल दिया। दही के साथ मिक्स करना है। दही के साथ मिक्स करके थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ये नमक डाला आपने। हाँ, हल्का सा लाल मिर्च। ये लाल मिर्च एक कौन सा देगी मिर्च है? हाँ, देगी मिर्च। हल्का सा जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर। हल्का सा तंदूरी मसाला। ये तंदूरी मसाला। ये आपने खुद बनाया? खुद बनाया है। हम इसमें थोड़ा डालेंगे रोगन। रोगन रोगन भी हमने खुद बनाया है हल्दी और ऑयल से। ये आप लोग देख सकते हैं रोगन। ये रोगन डालने से क्या होता है? कलर सही आता है। कलर अभी देखो कलर कैसा है। अभी बढ़िया कलर आ रहा है। हमारा काला नमक ब्लैक सॉल्ट। मसाला रेडी हो गया अभी। हाँ, ये मसाला हमारा रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हो सिंपल है, आपको कोई भी घर पे बना सकता है। ये देखिए पहले हमने पनीर काट के रखे थे। पनीर कट के रखा है ना क्यूब के हिसाब से। क्यूब के हिसाब से पनीर रख लिया। और फ्रेश पनीर है ना? फ्रेश पनीर। ये आपने खुद बनाया या? खुद तो नहीं बनाया, हमारा आता है बाहर से ही आता है। पनीर आप लोग देख सकते हो तो बढ़िया। थोड़ा सा सासलिक भी चाहिए। ये सासलिक, ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम है हरा वाला। ऑनियन, ये ऑनियन। टमाटो, ये टोमेटो। सासलिक में तीन ही चीज़ जाएगा ना? हाँ, ऑनियन कैप्सिकम टोमेटो। बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो रहा है, आप लोग कलर देख सकते हो। इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आ रहा है, कलर भी आप लोग देख सकते हो। हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया। गर्मियों के सीज़न में बहुत एक ख़ास मतलब गर्मियों का सीज़न के लिए ज़्यादातर लड़कियाँ जो कपल आते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं। हमारा तंदूर में लगने के लिए जा रहा है। कितना पीस रहता है एक पोर्शन में? हम 8 पीस देते हैं यहाँ पे। एक पोर्शन में 8 पीस, कई कई जगह 6 पीस देते हैं। वो अपना अपना चॉइस रहता है। आप लोग तरीका भी देख सकते हो कैसा लगा था पनीर टिक्का, मैंगो पनीर टिक्का। ये हमारा शेफ का खुद का रेसिपी है ना? खुद का तो हम ये बनाए हैं अपने यहाँ पे। ये हमारा पनीर टिक्का तंदूर में जा रहा है। ये कितना टाइम के लिए रहेगा? बस 5 मिनट में पक जाएगा। 10-5 मिनट में पक जाएगा हमारा पनीर। इसी तरह से हम पूरे सरिया लगा लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये हमारा पनीर टिक्का रेडी हो चुका है। ये पक चुका है ना? हाँ, अभी हम प्लेटिंग करेंगे इसका। सब ये लगभग कितना टाइम लगा पकने के लिए? पकने के लिए 5-7 मिनट ऐसे कुछ लगा है। 5-7 मिनट ना। ये आपने क्या डाला सर? ये अपना चटनी है। ये चटनी है तो इसको हम प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए मतलब तरीका देखिए प्लेटिंग करने का।
ये हमारा एक क्या डाला आपने सर? एक कार्ड ओनियन है। एक कार्ड ओनियन तंदूर का ना? तंदूर कार्ड ओनियन बनाया है बाद में निकालेंगे उसको कैसे बनाते हैं। ये आपने क्या डाला था? थोड़ा सा चाट मसाला। एक चाट मसाला है ना, थोड़ा सा चाट मसाला डालना जरूरी है। ये आपने ऊपर से बटर डाला, रेडी है। ये अपना पनीर मैंगो पनीर टिक्का का प्लेट रेडी है, रेडी कर दिया इसको। ये अपना पुदीना, मैंगो पनीर टिक्का। Okay.